हेलो एवरीवन, हम लोग को आज देखना था अकाउंट्स पेबल का पार्ट टू। जैसे कि अकाउंट्स पेबल के पार्ट वन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें हम लोग सीख लिया। हम लोग ने वेंडर ग्रुप क्रिएट करना सीख लिया था, फिर क्रिएट अ नंबर रेंज, फिर इसके बाद नंबर रेंज असाइन कर लिया था हम लोगों ने, फिर जीएल अकाउंट भी हमने क्रिएट कर लिया था। देन था क्या, वेंडर क्रिएट करना है ना। वेंडर क्रिएट हम लोगों ने कर लिया। वेंडर क्रिएट करने के बाद फिर एक टॉलरेंस ग्रुप होता है। टॉलरेंस ग्रुप का मतलब वेंडर से मैक्सिमम कितनी की परचेजिंग कर सकते हैं उसका अमाउंट हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए टी कोड होता है OBA3। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं OBA3। अब OBA3 जैसे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ देखो टॉलरेंस ग्रुप यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आ रहा है ऑलरेडी। इसमें सपोज करो मैं इसका ओपन करके एक बार देखता हूँ, तो यहाँ देखो डिफाइन किया गया है INR में, है ना। टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन किया गया है, यहाँ पे कुछ अमाउंट परसेंटेज इसने सेट नहीं किया, हालांकि ये सब सेट किया जाता है, ठीक है ना। परमिटेड पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस कितना हो सकता है, तो पेमेंट डिफरेंस हो सकता है 1% हो सकता है, 2% हो सकता है। कितना अमाउंट में 1% मतलब, 1% मतलब 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, वो आप डिसाइड करोगे, है ना। ग्रेस ड्यू डेट, ग्रेस डेज कितना देना है आपको, है ना। कितना ड्रेस हमें मिल जाता है बेसिकली किससे, वेंडर से। एरियर बेस्ड डेट क्या होता है, तो ये सब हम लोग बेसिकली इसमें डिफाइन कर सकते हैं। एक बार यहाँ देखते हैं, इनका किसी ने डिफाइन ही नहीं किया है, सिर्फ ओनली एक ब्लैंक क्या बना दिया है, टॉलरेंस ग्रुप बना के छोड़ दिया सबने। देखते हैं किसी ने बनाया कि नहीं बनाया, आई थिंक किसी ने नहीं डिफाइन किया, ठीक है। खैर टॉलरेंस ग्रुप आपके ऊपर है, आप चाहो तो डिफाइन करो, चाहे तो ना डिफाइन करो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। पेमेंट डिफरेंस के लिए तो फिर पेमेंट टर्म्स बनाने के लिए होता है OBB8। तो एक मिनट, मैं टॉलरेंस ग्रुप बना ही देता हूँ। OBA3 है ना, OBA3 एंटर। यहाँ पे न्यू एंट्री कर लीजिए, या तो किसी को कॉपी करना है, सपोज करो ये बना हुआ है, किसी को हमें कॉपी करना है, वी कैन कॉपी ऑल्सो। बस यहाँ पे अब क्या करना होगा, कंपनी कोड चेंज कर देना है। HM हमारी कंपनी का नाम है HM01, HM01 ना, तो HM01 हमने हिमालय मेडिसिन का ले लिया, ओके। और यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप हमें चेंज करना है, इसको भी हम HM01 ही बना लेते हैं। यहाँ पे बता देते हैं किसके लिए हम बना रहे हैं हम लोग, टॉलरेंस ग्रुप फॉर हिमालय, ठीक है। दैट्स इट। ग्रेस पीरियड कुछ देना है, कुछ अमाउंट, पेमेंट डिफरेंस कितना हो सकता है गेन के केस में, लॉस के केस में, ठीक है ना, ये सब हमें भरना है। पेमेंट टर्म्स ऑफ ए फॉर्म इनवॉइस, पेमेंट टर्म्स फॉर्म इनवॉइस डालना है कि नहीं डालना है, ये बेसिकली हमारी कंपनी के किसके ऊपर होता है। ये सारी चीज़ें हालांकि सामने वाला डिसाइड करेगा कि कितना वो पेमेंट टाइम दे रहा है, कितना ग्रेस पीरियड दे रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे ही बना के हम लोग क्या कर लेते हैं, देन सेव कर लेते हैं। एंट्री वन इज कॉपीड, कॉपी हो गया HM01 में, सेम एंट्री हमने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला बनाना है हमें पेमेंट टर्म्स, OBB-N OBB8, ठीक है। अब इसमें देखो पेमेंट टर्म जस्ट लाइक यहाँ देखो दिख रहा है, 0001 बना हुआ है। 14 दिन के अंदर अगर पेमेंट करते हो तो 3% डिस्काउंट हमें मिल जाता है, 7 दिन के अंदर करते हो तो 5%, ठीक है। जितने जल्दी हम पेमेंट करेंगे, 7 दिन के अंदर करेंगे हमें 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, 14 दिन करेंगे तो हमें ज़्यादा नहीं, हमें 3% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। इस तरह के पेमेंट टर्म्स ऑलरेडी आपके इसमें बने हुए हैं, आप अगर खुद का बनाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं पेमेंट टर्म्स। जैसे हमने बना दिया HM01, ठीक है ना। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स क्या, टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं, कुछ नाम उसका होगा, तो हमें बोल दिया पेमेंट टर्म्स फॉर वेंडर, मैंने ऐसे नेम दे दिया वेंडर, ठीक है ना। डे लिमिट, डे लिमिट कुछ डालना है, कुछ नहीं, कस्टमर के लिए है, ठीक है। ये कस्टमर, ये मतलब जो आप पेमेंट टर्म्स बना रहे हो, ये कस्टमर में भी आएगा, वेंडर में भी आएगा, किसी वेंडर के लिए बना रहे हो। तो हमने यहाँ पेमेंट टर्म्स फॉर वेंडर किया, तो यहाँ पे कस्टमर डाल दो, सिर्फ वेंडर के लिए, ठीक है ना। कितना परसेंट, 1% डिस्काउंट देंगे, नंबर ऑफ डेज, अगर 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट, सॉरी 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर हम लोग
7 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर 3% डिस्काउंट मिलेगा, अगर पेमेंट क्या होता है 15 दिन समय अगर लेते हैं तो, अदरवाइज कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। और अगर सपोज़ कर 15 दिन से ऊपर गए है ना, दैट मीन्स 30 दिन गए, तो ऐसे में अमाउंट एग्जैक्ट देना होगा हमें, कोई रुपया यहाँ पे कोई डिस्काउंट का ऑप्शन ही नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, ओनली स्पेसिफाई सेल्स टेक्स्ट और पेमेंट टर्म्स टू कस्टमर। अच्छा, कस्टमर भी यहाँ लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे पेमेंट टर्म्स लिख देते हैं, पेमेंट टर्म्स फॉर HM01। ओके, अब ये सेव हो जाएगा, दोनों के लिए बनाना पड़ेगा, एक के लिए नहीं बना सकते, ठीक। तो कस्टमर वेंडर दोनों के लिए। अब इसके बाद क्या करना है, स्लैश एन। अब क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट टर्म्स भी हम लोग डिफाइन कर लिया, हालांकि आप चाहो तो डिफाइन करो, ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट इसमें बने होते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो। अब हम लोग आएंगे ट्रांजेक्शन के ऊपर, पोस्टिंग वेंडर इनवॉइस थ्रू F-02। हम लोग वेंडर इनवॉइस हम F-02 से भी यूज़ कर सकते हैं, आप सबको बताया था F-02 बहुत ही पावरफुल प्लेस है। जैसे FB50 में हम सिर्फ और सिर्फ GL पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन F-02 से हम लोग बैठ करके वहाँ पे GL पोस्टिंग भी कर सकते हैं, वेंडर पोस्टिंग भी कर सकते हैं, और कस्टमर वेब पोस्टिंग, मतलब एसेट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्विस परचेज 10,000 का आप या तो वहाँ करिए, या तो सबसे अच्छा जगह है FB60। जैसे FB50 सिंगल स्क्रीन था, वैसे FB60, तो हम लोग चलिए FB60 पे करते हैं। FB60 कंपनी कोड HM01 है हमारा, हमने अपनी कंपनी का ले लिया दिस वन। अब यहाँ देखो हमारा वेंडर मांग रहा है, तो हमारा वेंडर तो हमने बना रखा है, सर्च टर्म में हमने मोबो डाला था, ये मोबो LED, ठीक है। ये हमारा वेंडर आएगा 374 नंबर से, इनवाइस डेट मांग रहा है 28.04.2022, है ना। कितना अमाउंट है, सपोज करो 10,000 INR है, कोई टैक्स वक्स नहीं लगाना हमें। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग AMC चार्ज क्या है, AMC चार्ज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सपोज करो AMC चार्ज अभी ड्यू कर रहे हैं, AMC चार्ज ड्यू, क्लियर। अब यहाँ पे देखो GL अकाउंट क्या होगा, GL अकाउंट यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, हमारा कीवर्ड है मोबो। तो ये जो AMC चार्ज है, ये हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टी, रिपेयर मेंटेनेंस का बना हुआ है, डाल देते हैं हम लोग। कितने अमाउंट से हमारा खर्चा है, 10,000 नहीं याद है तो वैसे ऊपर टाइप है ही, स्टार से आप कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टैप दबाइए, टैप दबाइए, और टेक्स्ट में भी प्लस लगा दीजिए, नरेशन कॉपी कर लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है कि जो हमारा FB560 है ना, ये नंबर रेंज 3 में आता है, जिसके लिए अभी ना FB60 हमारी जो नई कंपनी HM01, इसमें वेंडर इनवॉइस के लिए नंबर रेंज नहीं डिफाइन किया गया, हमें नंबर रेंज डिफाइन करना है। हम इसको यहीं पे रोकते हैं, कंट्रोल एन से हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक टी कोड लगाते हैं XKN1, ठीक है ना। नहीं, ये तो वेंडर के लिए, नंबर रेंज के लिए था FBN1। FBN1 में जाते हैं, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग को मिल गया इंटरवल, यहाँ पे डिफाइन है किस कंपनी के लिए, HM01 इंटरवल। देखो इतना ही अभी यूज हुआ है, 03 हमें डिफाइन करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया बनाएंगे 03। ईयर क्या है, 2022 के लिए बना रहे हैं, और देखो 1, 2, 3 लाइन से यूज हो गया, हम लोग अब 4 बनाएंगे। तो यहाँ देखो नंबर रेंज फ्रेश है ना, तो हम लोग इजिली हम लोग तैयार कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी है, दूसरे की कंपनी होती पहले ही से सब पूरा फिल रहता है, तो दिक्कत हो जाता है। या तो हम अपना समझ के प्रोसेस प्रॉपरली कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे सेव, जैसे ही सेव करते हैं विदाउट ओवरलैपिंग, देखो सेव हो गया है ना। अब वापस आते हैं उस विंडो पे, अब यहाँ पे हम लोग इंटर दोबारा मारते हैं, ठीक है। अब वो देखो
मिसिंग एंट्री नहीं दिखा रहा है, वो इश्यू सॉल्व हो गया है। दिखा रहा है रिकंसिलेशन अकाउंट इज मिसिंग इन मास्टर रिकॉर्ड, करेक्ट मास्टर रिकॉर्ड। यानी कि इसका एक हमारा क्या है, जब वेंडर बनाया गया था तो वेंडर में क्या पकड़ाया गया था, एक जीएल पकड़ाया गया था अकाउंट्स पेबल का है, उस मास्टर रिकॉर्ड को हमें देखना पड़ेगा। चलते हैं देखने, स्लैश एन, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो स्लैश एन एफ के 03, एफ के 02 से एडिट होता है ना, तो यहाँ पे हमारा हिमालय का था पेमेंट ट्रांजेक्शन्स कंट्रोल, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स इसका देखना है हमें हमारी कंपनी के वेंडर का। देखो ये मोबो एलईडी है, यहाँ पे हम लोग का जब इंटर इंटर यहाँ पे पेमेंट टर्म्स ही आ रहे हैं क्या सर, ये सब पे टिक कर देते हैं अकाउंट को। अब हम लोग इंटर करते हैं, अब सारी डिटेल हम एक्सेस कर सकेंगे। कंपनी ठीक है, कस्टमर ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। हाँ यहाँ रिकंसिलेशन अकाउंट में पकड़ा ही नहीं है जीएल, जीएल हम लोग बनाए तो थे लेकिन जीएल हमने पकड़ाया नहीं है। यहाँ रिकंसिलेशन अकाउंट में वो तो ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं F4 आ नहीं रहा है, मैसेज दिखा रहा है क्या, यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट नो एंट्री ऑप्शन ऑप्शंस अवेलेबल, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। ठीक है ये ऑप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि जीएल नहीं बना हुआ है, एक अकाउंट्स पेबल का जीएल बनाना चाहिए था। FS00 में हम लोग जाएंगे, एक अकाउंट्स पेबल का जीएल फटाक से बनाएंगे। लाइबिलिटी में कौन सी जगह खाली अकाउंट्स में बना तो हुआ है, उसी को एडिट करते हैं, देखते हैं क्या इशू है। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी में ठीक है, कंट्रोल डेटा ठीक है, G67 रिकंसिलेशन अकाउंट है, ये भी आपने पकड़ा ही दिया है। ये कमिटमेंट आइटम में तो कुछ नहीं आ रहा है, जब तक वो रिकंसिलेशन अकाउंट जब तक फिल नहीं करेंगे ना तब तक ये आगे नहीं बढ़ने देगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कंट्रोल डेटा पे आना है, यहाँ पे होता है रिकंसिलेशन अकाउंट टाइप, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना था क्या, ये वेंडर है ना, ये वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे ये G67 हमने डाला, ये ओके, बट वो भी हमें करना था, हमने नहीं किया था, कंट्रोल एस करते हैं। ये क्या कह रहा है, ओपन आइटम मैनेजमेंट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ठीक है, गलती से मैंने टिक कर दिया था, उसे हटा देते हैं हम लोग ओपन आइटम को। अब कंट्रोल एस देते हैं, अब देखते हैं क्या एरर आ रहा है, बैलेंस रिकंसिलिएशन अकाउंट ओनली लोकल करेंसी इज नॉट डिफाइंड, ओके हटा देते हैं। अब कंट्रोल एस, फाइनली अब सेव हो गया, अब बेटा सेव हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे F4 में, अब ऑप्शन खुलेगा, अब ऑप्शन देखिए आने लगा अकाउंट्स पेबल का। ठीक है, तो कैसे प्रॉब्लम आप रिजॉल्व करें आप यहाँ पे ये भी देख लेगा। अब यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट, ये हालांकि मैंडेटरी फील्ड होना चाहिए, जब हमने OBD3 हमने किया ना, इसको मैंडेटरी रिकंसिलिएशन अकाउंट को कर देना चाहिए था, ताकि ये इसको बिना भरे कोई वेंडर गलती से भी क्रिएट ना करे, वरना एंट्री तो हो नहीं पाएगी। उसको तो सेव कर दिया मैंने, हो गया चेंजेस मेड। अब आते हैं वापस एंट्री पे, 374 ये हमारा जीएल है, इंटर करते हैं, रिकंसिलिएशन अकाउंट इज मिसिंग इन, कोई नहीं, फिर से एक बार एंट्री कर लेते हैं हम लोग। इनवाइस डेट 28.04.2022, अमाउंट क्या है, अमाउंट दे रखिए 10,000 मान लीजिए कर लेते हैं हम लोग। नरेशन मेन नेम से चार्ज ड्यू,
यहाँ क्या होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने पिक कर लिया। डेबिट अमाउंट कितने से, अगेन 10,000 से इंड अप। आगे अब देखो सीधे ग्रीन सिग्नल आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, वो एक बार एग्जिट करके हमने फिर से कर दिया, हो गया। ले जाए नरेशन, हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं, प्लस से नरेशन कॉपी होगी। ओके, अब इस एंट्री को तुम लोग सेव करने से पहले आप दो पेमेंट में चले जाओ, एक बार ये सब डिटेल भी चेक कर लिया करो। तो पेमेंट्स में कुछ नहीं है, सेम है, कोई डिस्काउंट कुछ समथिंग कुछ है क्या, नहीं है। डिटेल्स में जाके देख लो, है ना। कोई कुछ असाइनमेंट कुछ करना है, हेडर टेक्स्ट कुछ लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट तो हमने वैसे भी नहीं डिफाइन किया है, टेक्स्ट आपको अभी कोई डिफाइन नहीं करना है। नोट्स कुछ नहीं, कुछ अगर इस ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ अगर लिखना चाहते हो कुछ डिटेल्स, यू कैन मेंशन किया। बट वापस बेसिक डेटा पे आइए, ग्रीन सिग्नल हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री सेव कर सकते हो आप लोग। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंट्री सेव करने से पहले सिमुलेट कर लिया करो। सिमुलेट करने से डेबिट क्रेडिट दिख जाता है आपको, क्या चीज़ डेबिट हो रही है क्या चीज़ क्रेडिट। अब यहाँ देखो 40, जीएल को डेबिट करने के लिए तो 40 है, वेंडर को क्रेडिट किससे कर रहे हैं 31, ये होता है पोस्टिंग की वेंडर को क्रेडिट करने के लिए। देन कंट्रोल एस कंप्लीट हो गया, आप कंट्रोल एस दबा दीजिए। फाइनली 4,000, देखो पहला मेरा डॉक्यूमेंट, मैंने रेंज डिफाइन किया था ना 03 पे, वो पहला डॉक्यूमेंट हमारा जनरेट हो गया। अब इसके बाद चलिए यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। वापस नोट्स पे आते हैं, आगे क्या करना है। पोस्टिंग हमने इसमें कर दी, हाउ टू चेक वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले, ये हम चेक करेंगे FBL1N से। तो स्लैश एन FBL1N, अच्छा FBL1N इंटर कर दीजिए, रिपोर्ट आ गया। इसी पार्टी का बाई डिफॉल्ट है 374 सेलेक्ट हो रखा है। ओपन आइटम देखना है, ऑल आइटम देखना है, एग्जीक्यूट का ही पहला ही ट्रांजेक्शन है। ओपन आइटम है, रेड दिखा रहा है। रेड क्यों दिखा रहा है, बिकॉज अभी हमने परचेजिंग किया है और हमारा ये बिल अभी ओपन है, अभी हमने इसका पेमेंट नहीं किया। हाँ, डॉक्यूमेंट टाइप देखो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। याद है हम लोग जीएल पोस्टिंग जब किए थे तो ऐसे ही था जीएल डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ इसका क्या होता है, वेंडर इनवॉइस है ना, तो वेंडर इनवॉइस का जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो KR होता है। बाकी नरेशन दिख रखा है, बाकी आपको पता है ये रिपोर्ट को कस्टमाइज करने के लिए होता है चेंज लेआउट। रिपोर्ट को कस्टमाइज करने के लिए क्या होता है चेंज लेआउट, इसमें जस्ट लाइक ए क्लियरिंग डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए। देखो इसमें दो, जैसे चेंज लेआउट पे गए तो दो स्क्रीन दिख रहे हैं आपको, दिस वन एंड दिस वन। ये देखो हिडन फील्ड्स है जो नहीं दिख रहा है रिपोर्ट्स में, ये जो रिपोर्ट में शो कर रहा है। जस्ट लाइक यहाँ देखो कई फील्ड्स खाली हैं, जस्ट लाइक असाइनमेंट खाली है या क्लियरिंग डॉक्यूमेंट खाली है। तो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट अगर खाली है, हमें ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिलेक्ट करिए इसको, इधर भेज दीजिए हिडन साइड। अब कॉपी करिए, तो यहाँ देखो वो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। प्लस तुम्हें पता है टेक्स्ट की साइज़ ये जो है ना बहुत ज़्यादा है, इतनी जगह हमें नहीं चाहिए नरेशन के लिए। तो यहीं कस्टमाइज में जाके अगेन यहाँ देखो है तुम्हारा टेक्स्ट, ये 50 लेंथ है ना, लेंथ 50 है, इसको मैंने 30 कर दिया, 30 एनफ है, 30 हो गया क्लियर। तो इन सब की लेंथ को अपने हिसाब से बोला, यू कैन कस्टमाइज, यू कैन फॉर टेकिंग प्रिंट आउट, है ना। तो प्रिंट आउट डाउट लेने के लिए बहुत ही आसान होता है। और इसको देखो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, वर्ड पे करना है कि स्प्रेडशीट पे करना है, इतना तो तुम लोग को नॉलेज है ही, है ना। तो ये सब तुम लोग कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे एक बिल है, एक बिल ले जाके क्या करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या अगला स्टेप, पासा क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो का मतलब क्या होता है, क्रेडिट मेमो का मतलब होता है कि अगर हमें क्या करना है, कोई रिटर्न की एंट्री करनी है। सपोज करो ज़्यादा का बिल बन गया था, 10,000 रुपये ज़्यादा का बिल बन गया था, पहले से बात हो रखी थी 9,500 के बिल की, उन्होंने गलती से 10,000 रुपये बिल बना के भेज दिया। तो हम लोग ने जब उनसे बोला कि भाई 9,500 में बात हुई थी, आप कैसे 10,000 का बिल बना दो, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई टेंशन नहीं है, बिल हमने 10,000 का दिया, 500 का हम क्रेडिट मेमो चार्ज कर देते हैं। क्रेडिट मेमो मतलब यू कैन से इट इज व्हाट, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, है ना। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप समझते हो, इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो चूंकि वेंडर हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट नोट भेजेगा तो बढ़ेगा, घटाना है तो डेबिट नोट,
दैट मीन्स यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट मेमो। तो क्रेडिट मेमो से वो एक तरह से समझ लो रिटर्न की एंट्री करेंगे 500 की। तो एंट्री देखो कैसे करेंगे, स्लैश एन यहाँ पे एफ बी 65 हो जाएगा, 60 के जगह 65 बस। हाँ चैट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे वेंडर को या वही 374 मुझे याद हो गया है, तो मैं तो सीधे कोड लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज आप सर्च कर लेना। बाकी यहाँ पे डेट क्या है, 28 सेम डेट है, उठा लीजिए। कितने अमाउंट से, 500 INR से रिटर्निंग की एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे देखो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एएमसी वैल्यू रिड्यूस्ड, है ना, रिड्यूस किया गया ना, टैब देख करके। नेक्स्ट क्या है, सेम सेम जीएल पकड़ाइएगा, कौन सा जीएल था, वही रिपेयर मेंटेनेंस का जो खर्चा था जो हम पहले 10,000 दिखाए थे, वो 500 रुपये से कम हो जाएगा ना। तो कीवर्ड क्या था, मोबो, इट्स अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेम जीएल उठा लिया। या आप कुछ और भी बना सकते हो, बट हम लोग सेम को ना कम कर लेंगे ना, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 500 से। नरेशन सेम रहेगा, प्लस करके कॉपी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिक्कत कर गया, अब ये 65 है ना, नया वाउचर है, नया डॉक्यूमेंट टाइप है, तो कह रहा है इस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए भी आपको नंबर रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, 18 नंबर। अगेन आपको उस कंट्रोल एन से नया सेशन ओपन कर लीजिए, इसको डिस्टर्ब ना हो, और यहाँ पे आ जाइए किस में, एफ बी एन वन, ठीक है। यहाँ इंटरवल कंपनी कोड HF01 इंटरवल अगेन प्लस, किसके लिए बनाना है ध्यान से नंबर देख लीजिए, 18 18 के लिए बनाना है, 2022 000 4 times 0 है 5, ओके 4 times 0 59999, ठीक है, दैट्स इट, एनफ है। अब इसको क्या करिए, कंट्रोल ऐसे सेव, बन गया, ठीक। अब आते हैं वापस, सॉरी कहाँ एंट्री हो रही थी हमारी, इंटर करते हैं, अब ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, देन सेव, सिमुलेट कर लेना चाहिए था, मैंने सिमुलेट नहीं किया, कोई टेंशन नहीं, हम लोग भी रिपोर्ट में देख लेंगे। स्लैश एन एफ बी एल, और ये कौन सा होगा, एफ बी एल 1N। अब अगर हम इनका देखो रिपोर्ट एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो के आर है और रिटर्न का देखो केजी है, केजी डॉक्यूमेंट पे यहीं पे ओपन करके हम देख लेंगे, वहाँ नहीं देखे थे हम लोग, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू करके देख लीजिए यहीं पे। ये देखो 21 हो गया, मोबो को हमने क्या किया, पार्टी को हमने डेबिट किया, डेबिट करने के लिए देखो 21 होता है, क्रेडिट करने पार्टी क्रेडिट होता है 31 से, डेबिट होता है 21 से, 50 इज जीएल क्रेडिट करने के लिए। डॉक्यूमेंट टाइप आपने देख लिया, दिस इज केजी रिटर्न के लिए हो गया, है ना। अब देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस भी दिखा है 9500 का, प्रॉपर रिपोर्ट आ रही है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे, अब हमें क्या करना है, फाइनल चेक रिपोर्ट। चेक रिपोर्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लूँगा, चेक रिपोर्ट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग 12 करते हैं, और हम लोग जाते हैं पहले ना कस्टमर से पेमेंट, वेंडर को हम पेमेंट करने के लिए, वेंडर फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो वेंडर फाइनल जब पेमेंट करेंगे उसके बाद रिपोर्ट चेक करेंगे। तो वेंडर फाइनल जब पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के लिए क्या होता है, वेंडर को पेमेंट करने का जो टी कोड है F-53 है, F-53 से हम लोग क्या करेंगे, वेंडर को पेमेंट कर देते हैं, क्लियरिंग कर देते हैं F-53। चलिए फाइनल काम करते हैं, कहानी खत्म करते हैं, स्लैश एन F-53। अब जब F-53 फाइनल पेमेंट करेंगे 28/04/22 KZ है, ये देखो यहाँ का डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, देखो यहाँ पे आउटगोइंग पेमेंट हो रहा है ना, KZ आ रहा है। अच्छा एक और चीज़, अब देखो इस KZ के लिए क्या हमने नंबर रेंज डिफाइन किया है, नहीं, तो यहाँ फिर मांगेगा, और आपको पता है क्या करना है, FBN1 से बना देना है। डॉक्यूमेंट नंबर हमें कुछ नहीं डालना है, डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया, वेंडर पेमेंट, है ना, आगे
क्लियरिंग टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब अकाउंट किस बैंक से हम पेमेंट करेंगे, आपके पास बैंक होना चाहिए, देखते हैं इनके पास बैंक है कि नहीं है। हाउस बैंक तो शायद ही इन्होंने बनाया, सॉरी दीप नहीं है, क्या है, मोबो है। फाइनली यहाँ पे देखो कोई बैंक तो होगा जरूर, हाँ बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से हम पेमेंट कर देते हैं। कितना अमाउंट, पूरा फाइनल पेमेंट करते हैं 9,500 का। बीइंग पेमेंट मेड, अब यहाँ अकाउंट किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो 374 मुझे याद ही है, या फालतू सर्च किया जाए टाइम वेस्ट होगा, स्केप कर देते हैं। हम लोग को पता है पार्टी है 374, ठीक है ना। नेक्स्ट के फॉर वेंडर है ना, ये के फॉर वेंडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे या तो हम क्या करें, प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करें या तो एंटर कर दें, बात देखिए। लो कह रहा है 04 रेंज इज मिसिंग, मैंने बोला था इस चीज़ के लिए रेडी रही है, तो चलिए बना लेते हैं हम लोग नंबर रेंज इनके लिए भी। प्लस क्या नंबर था, 04 के लिए बनाना है, 04, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग एंट्री कर रहे हैं ना, इसलिए हर जगह आपसे बनवा रहा है। 6, अब मैंने बना दिया, अब इस कंपनी में कोई और करेगा तो दोबारा उससे नहीं पूछेगा, ठीक है। देन सेव, वापस आते हैं टॉपिक पे, अब इंटर करते हैं, इंटर, ओके। कह रहा है क्या, द एंट्री HM01 इज मिसिंग टेबल T043, अब ये देखना पड़ेगा बाद में, अब बहुत ज़्यादा एरर आज हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, पेमेंट अभी हम रोक देते हैं, हम लोग के नोट्स में भी इसीलिए लग रहा है रोका था पेमेंट, ठीक है ना। कोई नहीं, आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, पेमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो ये पेमेंट करना और चेक रिपोर्ट, रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको सभी को पता है टी कोड क्या है, FBL1M, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ सेव कर देता हूँ ताकि इसको आगे हम लोग करेंगे कंप्लीट। तो T043G इज मिसिंग टेबल, ये हम लोग कल हम लोग सही कर देंगे इसको। सो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।